छोटे सरकार, बाहर आपके कुछ किसान आपसे मिलने आए हैं। हमारे किसान बाहर क्यों खड़े हैं? उन्हें हमारे पास अंदर भेजा जाए। जो छोटे सरकार, हमें अर्जी लिखवा कर लाए हैं आपके लिए। हमने पढ़ ली है अर्जी। कब? आपने तो देखी तक नहीं। हमने पढ़ ली है। इनकी आंखों के अंधेरों में, इनके चेहरों की झुर्रियों में, इनकी भूख और हमारे जुल्म की कहानी इनके माथों पे लिखी है। लता, हमारे गांव आदर्श गांव होने चाहिए। इनमें से जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर दे दिए जाए। जिनके पास जमीनें नहीं, जमीनें दे दी जाए। जमीनों पे कुएं खुदवा दिए जाएं, पंप लगवा दिए जाएं, हमारे अनाज के गोदाम खोल दिए जाएं, जो जितना ले जाना चाहे उसे ले जाने की इजाजत है। छोटे सरकार, हम आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे? एहसान? एहसान किस बात का? हम तुम्हें दान नहीं दे रहे। समझ लो, हम अपने पुराने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। धन्य है आप छोटे सरकार। भगवान आपको लंबी उम्र दे, सदा सुखी रहे। हमारे दौरे का इंतजाम करो। हम अपनी जमीनों पर जाएंगे और अपने लोगों से मिलेंगे। जो चीजें हवाओं में लहराती हैं और आसमानों पर उड़ती हैं, उन्हें बांधना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बंधी हुई, छुपी हुई अच्छी लगती हैं। जो आज यहाँ आए गए, आज के दिन हम बरखा माता की पूजा करते हैं। आज के दिन तोहरा के हमरा संग गावे पड़ी, खावे पड़ी, नाचे का पड़ी। हमें नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। हाँ मालिक, प्यासी धरती की पुकार हम केतवा से ही आसमान तक पहुँचावत हैं। ये धरती तो वो धरती है मालिक, जहाँ नेहरू जी भी नाचिन है, शास्त्री जी भी नाचिन है। इस त्योहार की खास रीत होवत है मालिक। पहले हम मर्दन औरतन की टोलियां बनावत हैं, फिर जोड़ियां। जौन जोड़ी सबसे सुंदर होवत मुखिया उनका अंगूठियां पहनावत है। अरे सबसे सुंदर जोड़ी तो यही बैठी है, एक राजा दूजी रानी। लाओ अंगूठियां। लाओ मालिक, तू लाओ। ठहरो, तुम दोनों तो बहुत अनाड़ी निकले हो रे। अंगूठी पहनी नहीं जावत, पहनाई जावत है। तोहार अंगूठी ऊ का पास है, ऊ का अंगूठी तोहार पास है। अपना अंगूठी अपना रानी का पहनावा? ऐसे नहीं। अब पहना। अपने राजा को पहनावा।
भाई जा। वहां काट क्यों रही हो? यहां जाओ आपके पास। ठंडक रही? भूख लगी? कुछ नहीं। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। क्या? जो तुम्हारे साथ हो रहा, जी चाहता है कुछ कहे मगर कहा नहीं जाता। दिल चाहता है कुछ भी नहीं। आदाब आदाब। अरे आदाब बाद में करना, पहले ये बताओ जो माल लाने गए थे लाए हो कि नहीं? अरे हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, लाया हूँ। अरे ये तो आ गई, वो नहीं आई क्या? वो भी आई है सरकार। इसके बिना वो नहीं, उसके बिना ये नहीं, और दोनों के बिना दुनिया नहीं सरकार। लाते हुए किसी ने देखा तो नहीं? आप तखत राम को मूर्ख राम समझ लिया सरकार, गुलाम को मालूम नहीं क्या? किसी ने देख लिया तो हुजूर की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन माल है किधर? मालिक लाया हूँ, अभी बुलवाता हूँ। अरे अंदर आ रही। बड़े हुजूर को प्रणाम कर ले। क्या? हाँ, हुजूर आज ही आई है नई नई, मिस लिली बीए पास। क्यों? या या ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल नहीं है माल पसंद आया। ठीक है ठीक है मालिक। लो कह रहा आदाब। बेबी तुम्हें नाचना आता है? या 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 बस करो ये मत ना। क्या
हमारा कोई कसूर नहीं हुजूर, वो हमको बोला या बोलने को। कौन बोला? बोला या कौन? दक्षराम, दक्षराम हुजूर माल कैसा लगा? अरे हम चजूर बोल दे हुजूर, महल की एक नौकरानी को हमारे पास ले आए, अगर उसने बाहर जाकर मुंह खोल दिया तो हमारी इज्जत का क्या होगा? आप उसकी फिक्र मत करिए सरकार, मैं उसका मुंह बंद करवा दूंगा। मगर हुजूर मैंने उससे वादा किया था कि आप उसे इनाम में 5 एकड़ जमीन और एक मोटर वाला पंप देंगे, बस इतना कर दीजिए सब ठीक हो जाएगा सरकार। मगर याद रखो, अगर इसके बाद भी ये बात बाहर निकली तो हम तुम्हें गोली सुना देंगे। आप क्यों तकलीफ करते हैं सरकार, मैं खुद ही अपने आप को गोली मार लूंगा, आपकी इज्जत मेरी इज्जत। अच्छा जा, वो 5 एकड़ जमीन हो जाएगा। आदाब सरकार।